इस लड़की को बहू बना कर लाएंगे आप? अब तो सुश्री यही बहू बनकर आएगी इस घर में, और तेजस्विनी रानी जिस दिन तुम अपनी दहलीज छोड़कर इस घर में पांव रखोगी, फिर निर्मल शास्त्री के आंगन में तुम्हें बचाने कोई राम नहीं आएगा। आ गए, बड़ी देर लगा दी। जी वो इधर आ। और देर से आया तो डरता क्यों है? इधर आ। हाँ, मर्द को हक होता है देर से आने का। अब तेरी उम्र हो गई है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की, औरत को काबू में रखने की। औरत को रखना होता है काबू में। घोड़ा अगर बेकाबू हो जाए तो जायज है, लेकिन घोड़ी चाबुक की पहुंच से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मर्द जाति की आन रखनी है तुझे, मुझे और उन सभी को जिन्होंने इस पुरुष योनि में जन्म लिया, समझा? जी। शादी करने की सोच रहे हैं तेरी, ठीक है? जी। तो जोर से जी बोल, ऐसे तो जो आएगी वो हावी हो जाएगी तुझ पर। शादी करा दे तेरी तो नाक तो नहीं कटवा देगा अपने बाप की? चुप है, इसका मतलब कटवाएगा तुम नाक अपने बाप की? तो जोर से बोल। नहीं। चल जा आराम। तेजस्विनी, कली आऊंगा तेरे घर तेरे बाप से अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगने। मेरी बात सुनिए, भगवान के लिए उस लड़की को अपनी बहू बनाने का ख्याल छोड़ दीजिए। कभी नहीं, और आगे से मेरे सामने नसीहत बनकर मत खड़ी रहना। दबाओ यहां से। कुसुम बेटे। ओ डैड आप। बेटे, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम ऑफिस नहीं आ रही हो। समथिंग्स बादरिंग यू? यस डैड, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कुछ दिनों से बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट खत्म सा होता जा रहा है। आई नो व्हाट इट मींस। एक्चुअली मैं तुमसे बात करने वाला था, एक रिश्ता है मेरी नजर। बहुत पैसे वाले लोग हैं, हमसे भी ज्यादा। एंड द बॉयज जस्ट रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। जस्ट अ मिनट। हेलो। हाय। ओ साली साहिबा, रात को 11 बजे भी आपको बात करने की फुर्सत मिल गई है। लगता है मियाँ जी अब तक घर लौटे नहीं है। मियाँ जी तो आधी बॉटल पीकर लिविंग रूम में खराटी मार रहे, तभी तो तुम्हें फोन किया। अब मुझे सूरज के बारे में डैडी को बता देना चाहिए। अन्नू, बस कर बेटी, मत रो, मत रो।
माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। पढ़ भी लोगी तो भी चूल्हा चौकाई तो करना है सारी जिंदगी भर। और अगर किस्मत से पैसे वाले घर में प्यार हो गया तो नौकरों से चूल्हा चौका करवाने में कट जाएगी सारी जिंदगी। नहीं माँ, मैं कॉलेज जाऊंगी। तुम बाबूजी से कह दो कि मेरे कॉलेज जाने पर रोक ना लगाए। तुम्हारे बाबूजी के फैसले को बदलना किसी के बूते की बात नहीं बेटी। कह रहे जो वो कहते मान ले। मैं नहीं मानूंगी माँ, मुझे कॉलेज जाना है और मैं जा रही हूँ अभी इसी वक्त। अनु क्या कर रही बेटी तू? तेरे बाबूजी थोड़ी देर के लिए बाहर गए, कभी भी आ जाएंगे वो। अगर तू कॉलेज गई ना उनका सारा गुस्सा मुझ पे निकलेगा। क्यों अपनी माँ को सताने के काम कर रही तू? तुम्हें क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? तुम्हारी तरह ही दीवारों में बंद होकर घुटती रहो। माँ मैं कह रही हूँ कि मैं किसी भी लड़के से नहीं मिलूंगी, लेकिन मुझे कॉलेज जाना। देख बेटी, अभी तो तू अपना कॉलेज जाने का हट छोड़ दे। मैं एक दो दिन के बाद तेरे बाबूजी से बात करके देखूंगी। हाँ, एक दो दिन बाद क्यों माँ? तुम आज ही बाबूजी से बात करो। अनुराधा बालिग है, बाबूजी इस पर अपना हुक्म नहीं चला सकते। इसे क्या करना है, किसके साथ उठता है बैठता है, ये फैसला करने का पूरा अधिकार है इसे। तुम दोनों मेरे सामने तो शेर बनके दहाड़ने लगते हो, फिर उनके सामने भीगी बिल्ली बने क्यों खड़े हो जाते हो? जो कुछ करना है कर, मेरी बला से मुझे मत घसे बीच में। आज ही तुम्हारे बाबूजी से मैं कह देती हूँ, अपनी औलाद पर अंकुश लगाना है ना तो मेरी निगरानी में मत छोड़ो इन्हें। मां तो इस घर के सभी लोगों पर हो रही है। अरे हटाओ अखबार को, चलना नहीं है। अरे वाह 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 वाह, प्रभु दयाल की हीरोइन, तुम तो साक्षात महालक्ष्मी लग रही हो इस लाल साड़ी में। लगता है इस साल लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी हमारे घर पर। तुम्हारी लड़की होने देगी तब ना। कौन सी लड़की? अब एक ही तो है सिर्फ फिरी। मैं तो सुबह से कह के थक गई, लेकिन तेजस्वी ने तैयार ही नहीं लक्ष्मी जी के मंदिर चलने को। अब तुम ही कहो उसे मंदिर चलने के लिए। अम्मा क्यों मंदिर जाने से पहले अपना मूड खराब कर रही हो? अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर चलती। नेतागिरी करने के लिए जरूर निकालेगी टाइम, लेकिन मेरे साथ मंदिर चलने के लिए नहीं। अरे आज लक्ष्मी मैया का दिन है इसलिए कह रही हूँ। अब तुम ही समझाओ ना अपनी लाडली को। भाई तुम्हारी महालक्ष्मी को मैं समझा लूंगा, लेकिन तेजस्विनी बिटिया जो इरादा बना लेती है उसे बदलना बड़ा मुश्किल होता है। डोंट वरी तेजस्विनी बेटी, महालक्ष्मी के सामने मैं तुम्हारी तरफ से भी खुशामद कर दूंगा। थैंक यू बाबूजी। चलिए चलिए बाबूजी, गाड़ी पेट्रोल डलवाला है सूरज बाबू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे बिजली पानी सब देख लिया ना इंजन में, वरना तुम बाप बेटों की खटारा कहीं भी खड़ी हो जाती है। अरे नहीं अम्मा, बहुत अच्छी गाड़ी है, कुछ नहीं होगा। और अगर होगा भी तो तुम्हें थोड़ा उतर कर धक्का देना पड़ेगा अम्मा। अरे तो अच्छा लगेगा कि हम माँ बेटी तो बैठी हो गाड़ी में और ये बाप बेटी धूप में धक्का लगा रहे हो। वो पुराने जमाने में होते थे ना कहार पाल की उठाकर चलने वाले, वैसे लगेंगे ये बाप बेटे। अरे सूरज बाबू, तुम्हारी अम्मा ने तो कार्टून खींच दिया हम दोनों का। बाबूजी इसी बहाने अम्मा को हंसते हुए तो देख लिया। अम्मा हंसती है तो पूरे घर में रौनक आ जाती है। कमाल की हंसी अम्मा तुम्हारी है। भाई इसी हंसी पर तो फिदा हो गए थे हम। ओहो अम्मा ब्लशिंग बाबूजी। मंदिर जाने से पहले जरा भक्ति भाव ला मन के भीतर। चलो जी चलो भाई जय चल। अरे तू शाम को तो चलेगी ना बाजार खरीदारी करने, या शाम को भी बिजी है तू? नहीं अम्मा जरूर चलूंगी, मुझे पता है आज धनतेरस है। मैं तुम्हारे लिए सोने की चेन खरीदने वाली हूँ, ये भी सोचा हुआ है मैंने। अरे मेरे लिए खरीदेगी तो एक दिन तेरे ही काम आएगी। चलो ठाकुर जी ने इतनी सद्बुद्धि तो दी जो गहने खरीदने की सोच रही है। अच्छा जा रहे हम लोग,
तू घर बंद करके जाना, समझी? ठीक है। जी वो बाबूजी ने। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। जी नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। अब पहली बार आए हैं तो अंदर आइए ना। लीजिए, आ गया। लेकिन अब रुकने के लिए मत कहिएगा, बाबूजी ने मिठाई भिजवाई है। आज धनतेरस के दिन बाबूजी ने कई नए काम शुरू किए हैं। किस तरह के काम? बाबूजी के सभी कामों की जानकारी तो मुझे नहीं रहती, कई जगह डाक उलझी रहती है उनकी। आप मिठाई लीजिए ना। थैंक यू। And what a pleasant surprise. हाँ, वो आज सुबह अचानक बाबूजी ने कहा, शशि तेजस्विनी के घर अच्छी मिठाई खरीद कर दे आओ। अब अच्छी मिठाई क्या होगी ये तय करने के लिए पूरे एक घंटा खड़ा रहा मिठाई की दुकान पर, तब ये मिठाई पसंद आई, सो ले आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी, और अगर नहीं आई तो बता दीजिए, मैं रिप्लेस कर दूंगा। आप इस बात को हंसी में मत लीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपकी बात को हंसी में नहीं ले रही हूँ, आपके भोले अंदाज में मुझे हंसी आ गई। बहुत ही अच्छे इंसान का हृदय है आपका। थैंक यू सो मच, मेरी इतनी तारीफ कभी नहीं हुई पहले। अच्छा मैं चलूंगा, बैंक का कोई भी काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी जरूर, लेकिन आप पहली बार आए हैं तो कुछ चाय। अरे अब फॉर्मेलिटीज में क्यों पड़ रही हैं आप? अच्छा तो फिर मुंह तो मीठा कर ही लीजिए। लीजिए, आप भी लाई मिठाई से मुंह मीठा कर लीजिए, इस बहाने आपकी पसंद का इम्तिहान भी हो जाएगा। अरे वाह, कलाकंद हैं आप, लीजिए ना। मान गए, आपने तो मेरी पसंद का पता लगा ही लिया। थैंक गॉड, वरना मैंने तो समझ लिया था कि मैं अपनी पसंद के इम्तिहान में फेल ही हो जाऊंगा। लगता है आपको भी कलाकंद पसंद है। बहुत, कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए यही ले आया। जब दूसरे के मन की पसंद मालूम ना हो तो अपने मन की पसंद पर ही भरोसा करना चाहिए, वही अक्सर खरी उतरती है। वही तो मैंने किया, दरअसल आपने मेरे भीतर की बात को बड़ी आसानी से अपने शब्दों में कह दिया। ये बात साधारण आदमी के मुँह से नहीं निकल सकती। वाकई बाबूजी यूं ही आपकी तारीफ नहीं करते, अब है ही तारीफ के काबिल। अच्छा मैं चलूंगा अब, बाय बाय। बाय एंड थैंक। वाह तेजस्विनी, कैसी है ये चेन? बहुत खूबसूरत है अम्मा। कितने तोले की है ये? ओफो अम्मा, आजकल ग्राम में मिलता है। तो ठीक है, कितने ग्राम की है? 10 ग्राम। अरे लेना है तो वजनदार हो। हाँ। दाम भी तो वजनदार बता रहे हैं ये। सो व्हाट। दीदी दीदी, ये बूंदे कैसे हैं? सिर्फ 1700 के हैं। बहुत अच्छे हैं, ले लो मेरी तरफ से। थैंक यू दीदी। अरे सारी तनख्वाह यही लुटा देगी क्या? अम्मा आप ले लो जो आपको लेना हो, पैसे की बिल्कुल परवाह मत करो। अरे ये सेट मुझे बहुत पसंद आया। हाँ। सूरज तुझे अच्छा लगा? तुझे पसंद हो तो खरीद लो कुछ सबके लिए। सूरज भैया ले लो, कुसुम भाभी गोरी है उन तक बहुत अच्छा लगेगा। अरे अच्छा तो तुझ पे भी लगेगा, मगर तू पहने तो भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया है मगर खाली गला लिए घूमती रहती है। अम्मा अब यहाँ मत छुरू होना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। भैया कुसुम। आपकी दुकान में जो सबसे महंगा नेकलेस का सेट है ना, वो हमें हमारी बेटी। डैडी प्लीज, आप क्यों फिजूल में पैसे खर्च कर रहे हैं? आपको तो पता है ना कि मुझे ज्वेलरी का इतना ज्यादा शौक नहीं है। अच्छा मैं एक छोटी सी सोने की चेन खरीद लेती हूँ, इफ यू इंसिस्ट। कुसुम आज धनतेरस के दिन हमारा दिल ओके दिखाइए। यही ओंकार मल्होत्रा है ना? हाँ। सूरज चलो यहाँ से चलते हैं। क्यों मगर? जो हादसा हुआ था उसे हमने भूल जाने का फैसला कर लिया था। मैं खुद ही ओंकार जी को बताता हूँ कि मुझे उनसे कोई मलाल नहीं। नमस्कार ओंकार मल्होत्रा जी। जी मैं, आप हमारी किसी कंपनी का मुलाजिम लगते हैं? देखिए दिवाली का बोनस डिक्लेयर हो चुका है तो आपको भी मिल जाएगी। हर जगह मालिक को देखकर ऐसे हाथ जोड़कर मत खड़े हो जाएंगे। डैडी ये सूरज के पिताजी हैं। कौन सूरज? ओंकार मल्होत्रा साहब, मैं तेजस्विनी का पिता हूँ। सूरज मेरा बड़ा बेटा है। आज धनतेरस का दिन है तो हम सब परिवार वाले यहाँ चले आए थे। अरे अम्मा भी आई है।
कैसी हो अम्मा? ठीक हूँ। हाय तेजस्विनी। हेलो। हेलो सूरज। हेलो कुसुम भाभी। हाय, ये देखो दीदी ने मुझे इयररिंग्स दिलवाए हैं। कैसे हैं? कुसुम, हाउ कम यू आर फ्रेंडली विद दीस पीपल? और ये लड़की तुम्हें भाभी कैसे कह रही? ओंकार मल्होत्रा जी, मैं खुद आपके घर आने वाला था। मैं जानता हूँ कि आप क्यों आने वाले थे। कुछ लोगों ने आप पर कातिलाना हमला किया और आप लोग ये समझ रहे हैं कि उसमें हमारा हाथ है। वैसे जानबूझकर कोई किसी पर दबाव नहीं डलवाता। रही बात मुआवजे की, तो आपको मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही आपको मुआवजा भेज दूँ। हालांकि अब कोई सबूत ऐसा नहीं बचा है जिसकी बिना पर यह साबित हो सके कि आप पर हुए हमले में हमारा हाथ है। लेकिन चूंकि हमारी बेटी आप लोगों को जानती है, हम मुआवजे की बात कंसीडर कर सकते। ओंकार जी, हम लोगों के मन में ऐसी कोई बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हाँ, मैं सब कुछ भूल गया हूँ ओंकार जी। मेरा ईश्वर साक्षी है, मेरे मन में आपके लिए जरा भी मलाल नहीं है। मैं तो आपके घर में खुशी की बात करने और साथ बैठकर चाय पीने आने वाला था। ओके देन, आई हैव नो प्रॉब्लम। जब चाहे आप चाय पीने आ जाइएगा। चलो कसम। डैडी एक मिनट। डैडी, ये सूरज है, इन्हें मैं लगभग 2 सालों से जानती हूँ। और ये सूरज की मम्मी है, ये तेजस्विनी। I know. और ये मोहिनी। काफी गहरी जान पहचान लगती है तुम्हारी इस फैमिली के साथ। Anyway, nice to have met you all. आओ। बाय सूरज। अच्छा अम्मा, बाय तेजस्विनी, बाय मोहिनी। चलो कुसुम, आ जाओ। सर, आप तो सबसे महंगा नेकलेस खरीदने वाले थे। लेकिन अब नहीं, आपकी दुकान में हमारे जैसे करोड़पतियों के लिए महंगे नेकलेसेस हो ही नहीं सकते। थैंक्स कुसुम, यहाँ तो मामूली लोग भी गहने खरीदने आते हैं। I'm really very sorry, गलती से हम लोग इस दुकान में आए।